हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे एनसीआरटी क्लास एट्थ इंग्लिश का चैप्टर फाइव प्रिंसेस सितंबर द किंग एंड क्वीन ऑफ सी हैड मेनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल दैम जनवरी फेबररी मार्च दो ऑफकोर्स इन सियामीज टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल सेप्टेम्बर तो जो किंग और क्वीन थे सियाम के उनके काफ़ी सारी डॉटर्स थी बेटियाँ थीं तो जो क्वीन थीं वो कन्फ्यूज हो जाती थी मतलब सबका नाम नहीं याद रख पाती थी तो जो किंग थे उन्होंने एक वे डिसाइड किया कि अब से वो अपनी बेटियों को जो ईयर के मंथस होते हैं ना उनके नाम से बुलाएंगे ऑफकोर्स मतलब उस टाइम पे वो सियाम के थे सियाम अब थाईलैंड है सियाम के किंग थे तो जो सियामीज़ में बोलते हैं आ, मांस को उसी के नाम से उन्होंने बुलाया तो जो सबसे छोटी थी उसका नाम पड़ा प्रिंसेस सप्टेम्बर तो किंग ऑफ स्याम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट इन स्टेट ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गिव देम और जो किंग ऑफ स्याम थे जो सियाम के राजा थे उनकी एक पिक्यूलियर मतलब बहुत ही अजीब सी हैबिट थी आदत थी कि वो अपने बर्थडे पर दूसरों को गिफ्ट दिया करते थे लिया नहीं करते थे वन ईयर ऑन इज बर्थडे नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी ही गेव इच ऑफ इज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज और एक साल उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी बेटियों को एक एक मतलब सबको एक एक ग्रीन पैरेट दे दिया और जो कि था गोल्डन केज में एक गोल्डन पिंजरे में केज का मतलब होता है पिंजरा द प्रिंज वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स एंड दे स्पेंड एन आर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स कुड से

सेवन ओरिएंटल लैंग्वेजेस में ओरिएंटल का मतलब होता है जैसे कि जो वेस्टर्न लोग हैं ना जैसे कि यू हो गया और ब्रिटेन हो गया ये वेस्टर्न है ये वाला वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है और जो हमारी कंट्री आती है इंडिया हो गया थाईलैंड हो गया और कम्बोडिया और जापान ये वाली जो ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं उन लोगों के रिस्पेक्ट में तो वो लोग इनको ओरिएंटल बोलते हैं इसलिए इस चैप्टर में भी ओरिएंटल लैंग्वेजेस बोला गया है जो ईस्ट की लैंग्वेजेस हैं उनको बट वन डे वेन प्रिंसेस सप्टेंबर वेन टू से गुड मॉर्निंग टू हर पेरेंट शी फाउंड बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज और एक दिन सुबह जब प्रिंसेस सप्टेंबर गुड मॉर्निंग बोलने गई अपने तोते को तो उन्होंने पाया कि उनका तोता तो मरा हुआ है और केज के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है शी बर्स इन टू अर फ्लड ऑफ डियर्स एंड नथिंग डेट हर मेड ऑफ ऑनर कुक कम्फर्टेड हर और मतलब वो बहुत ज़्यादा रोने लगी बर्स्ट इन टू फ्लड ऑफ टीयर्स का मतलब है वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और कोई भी उनकी जो मेड ऑफ़ ऑनर थी मेड ऑफ ऑनर होती है जैसे प्रिंसेस के रखरखाव के लिए होती है ना आस पास उनके जो लड़कियाँ वगैरह रहती उनको है उनको मेड ऑफ ऑनर बोलते हैं तो जो मेड ऑफ ऑनर थी वो कुछ भी नहीं ऐसा बोल पा रही थी जिससे जो प्रिंसेस सप्टेम्बर है उनको कुछ अच्छा फील हो शी ट्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग वट टू डू टोल द क्वीन एंड द क्वीन सेट इट वॉज टफ एंड एंड द चाइल्ड हेड बेटर गो टू बैड विदी सपर और फिर मेड ऑफ ऑनर्स ने क्वीन को बताया मगर क्वीन को लगा ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी कर रही है वो बच्ची और उसको रात तक खाना भी नहीं मिलना चाहिए बिना खाना खाए वो रात को अब सोएगी सपा का मतलब होता है किसी भी टाइम का खाना जो होता है ना उसको हम सपा बोल सकते हैं द मेड ऑफ ऑनर वॉन्टेड एज दे कूड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ और जो मेड ऑफ ऑनर थी उनको किसी पार्टी में जाना था तो वो जल्दी से जल्दी प्रिंसेस सप्टेम्बर को बेड पे सुलाकर चली गई एंड वाइल ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फिल्ड हंगरी शी सॉ अटल बर्ड हॉप इन टू हर रूम और प्रिंसेस सप्टेम्बर को भूख भी लग रही थी और मतलब वो रो भी रही थी तो उसने में ही उन्होंने देखा कि एक कोई प्यारी सी बर्ड उनके कमरे में आ रही है हॉप करती हुई कूदती हुई She wiped her tears and एंड up उन्होंने अपने जो है अपने आंसू को पोछा और वो उठ गई then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in इन still water and the goldfish cool that glided in and out of the branches that were reflected in it तो उसमें वो जो बर्ड आई प्यारी सी उसने गाना गाना शुरू कर दिया किसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग्स गाए किंग का जो गार्डन था जिसमें विलो के ट्रीज थे विलो एक मतलब वैराइटी ऑफ ट्री होती है विलो के ट्रीज़ के बारे में जो गोल्ड फिश थी लेक में और वो किस तरीके से कूदती थी जो परछाई पड़ती पर थी लेक में ब्रांचेस के उनके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ों पे उसने गाना गाना शुरू कर दिया और व्हेन ही हैड फिनिश द प्रिंसेस और नॉट क्राइंग एनी मोर एंड शी क्वाइट फॉगेट दैट शी हैड नो सप अ देर वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेट और फिर मतलब वो गाना सुन रही होती है प्रिंसेस सितंबर और उनको इतना अच्छा लगता है गाना कि वो भूल ही जाती है रोना भी और उन्हें भूख भी नहीं लग रही होती है और फिर वो बोलती है उस बर्ड से कि गाना जो था ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था द बर्ड गेवर अब और वो होता है ना कि झुक के थैंक यू बोलते हैं तो इसी टाइप से बर्ड झुक के प्रिंसेस सितंबर को थैंक यू बोलती है वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट सेट सेंडा लिटिल बर्ड और वो जो छोटी सी बर्ड होती है वो प्रिंसेस सितंबर से कहती है क्या तुम अपने पैरेट की जगह मुझे अपना पेट बनाना चाहोगी इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस प्रिंसेस सितंबर सप्टेम्बर हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन दिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ अ बेड एंड संग हर टू स्लीप और फिर जो होती है वो बर्ड कहती है कि मुझे अपना पैर बना लो इस टाइप से बोलती है वो फिर वो बर्ड बोलती है कि हाँ ये सच है कि मैं आपके पैरेट की तरह सुंदर नहीं हूँ मगर मेरी जो आवाज़ है वो आपके पैरेट से बहुत ज़्यादा प्यारी है प्रिंसेस सप्टेंबर जो होती है अपने हैंड्स को क्लैप करती हैं खुश होकर के और जो बर्ड होती है वो हॉप करती रहती है और उनके बेड में इधर उधर घूमती रहती है और गाने गाती रहती है जब तक प्रिंसेस सप्टेंबर सो नहीं जाती when she awoke next day the little bird was still there and as she opened her eyes he said good morning the maid of honor's brought in her breakfast and he ate rice out of her hand and he had his bath in her socker uh, तो इसमें वो मतलब सुबह उठके जो जब वैसी princess september सुबह उठती है तो वो जो bird होता है वो good morning बोलता है और maid of honor जो होती है वो bird के लिए सुबह का नाश्ता ले आती हैं राइस लेके आती हैं और जो प्रिंस सितंबर है वो अपने हाथ से उस बर्ड को राइस खिलाती हैं और अपने जो एक सॉकर होता है एक गोल सी कटोरी होती है ना राउंड प्लेट उसको हम सॉकर बोलते हैं उसमें उस बर्ड को वो नहलाती हैं ही सेट ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली देर द मीड्स ऑफ ऑनर व्वाइट सरप्राइज फॉर देर नवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट द प्रिंस सप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी और फिर वो बर्ड जो है वो गाना गाना शुरू कर देता है तो वो जो मेड ऑफ ऑनर्स होती हैं प्रिंसेस की वो बहुत अच्छा लगता है उनको भी वो सॉन्ग और वो सरप्राइज हो जाती है आशीर्य रजा की तो जाती है कि इतनी प्यारी आवाज़ तो उन्होंने पहले कभी सुनी ही नहीं थी और प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बहुत ही ज़्यादा प्राउड गर्व महसूस होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई एट सिस्टर्स सेट द प्रिंसेस शी स्ट्रेच आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व एज अ पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट फिर क्या होता है वो उस बर्ड से कहती है कि अब मैं तुम्हें तो अपनी बहनों को दिखाना चाहती हूँ अपनी आठ बहनों को और चलो वहाँ चलते हैं तो फिर एकदम से पिछले सितंबर अपनी एक उंगली बाहर निकालती हैं और इस तरीके से इंडिकेट करती है पर्च के होता है जिसपे मतलब बर्ड्स जो होती हैं वो बैठ करके रेस्ट करती हैं तो इस तरीके से वो उंगली निकालती हैं ताकि वो बर्ड जो है उस पर बैठ जाए और वो अपनी बहनों को दिखाने के लिए उसको ले जाए

और जो बर्ड होती है वो उसकी बहनों के लिए गाना भी गाती है मगर जो उनके पेरेंट्स थे बहनों के वो तो सिर्फ दो ही चीज़ें बोल पाते थे गॉड सेव द किंग और प्रटी बॉली फिर उसके बाद क्या होता है वो जो प्रिंसेस सितंबर है अपनी बर्ड को ले जाती है किंग और क्वीन को दिखाने के लिए और किंग और क्वीन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और डिलाइटेड खुश हो जाते हैं आई न्यू आई वॉज़ राइट टू सेंड यू टू द बेड विदाउट सफ़ सेट द क्वीन तो क्वीन बोलती है कि मैं बिल्कुल सही थी कि तुम्हें रात का खाना मैंने नहीं दिया था और ऐसे ही सोने दिया था द बर्ड सिंग्स मच बैटर दैन द पैरट्स सेट द किंग और किंग कहते हैं कि बर्ड जो है वो बहुत अच्छा गाना गाती है पैरट्स से आई शुड हैव थॉट यू गॉड क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेट द क्वीन आई कॉन्ट थिंक वाई दो गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देर पैरट टू सेट टू फिर जो क्वीन होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि किंग से बोलती है कि आप थक गए होंगे ये सुन सुन के गॉड सेव द किंग और क्वीन बोलती है मुझे समझ नहीं आता कि इन गर्ल्स ने भी अपने पेरट्स को यही क्यों बोलना सिखाया द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल सेट द किंग एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट बट आई गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दो स्पैरट से प्रिटी पॉली फिर वो बोलते हैं किंग कि मैं कोई बात नहीं ये एडमायरेबल है सेंटिमेंट होता है ये भावना काफ़ी एडमायरेबल है कि बच्चों ने प्रिंसेसेज ने ये गॉड सेव द किंग बोलना सिखाया वो किंग बोलते हैं कि मैं हाँ अब टायर्ड हो गया हूँ थक गया हूँ सुन सुन के प्रटी पॉली

किंग बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ अग्री करता हूँ आइडिया से का मतलब होता है अग्री करना कि वो ऐसा बोलती है सेवन डिफरेंट लैंग्वेजेस में मगर मैं ये बात मुझे अपने काउंसलर्स की ही याद दिला देती है जो भी इसी तरीके से बोलते हैं सेवन डिफरेंट वेज़ में इसी वर्ड को मगर उनका मतलब कुछ भी नहीं होता है प्रिंसेस फॉर वैक्सड एट दिस एंड द पैरट्स लुकड वेरी ग्लम डीड और जो प्रिंसेस होती हैं बाकी वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती हैं वेग्सड का मतलब होता है वरीड हो जाना परेशान होना और पैरट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लम से दिखते हैं सैड से दिखते हैं मगर जो प्रिंसेस सप्टेम्बर होती हैं वो पूरे दिन घूमती रहती हैं सारे के सारे रूम्स में पैलेस में और गाना गाती रहती हैं किसी लाख की तरह लाख होती है एक छोटी सी बर्ड और जब उसकी जो बर्ड होती है वो इधर उधर घूमती रहती है उनके साथ और बर्ड की भी जो आवाज़ होती है वो एकदम नाइट एंकल जैसी प्यारी होती है ये जो चीज़ें थी थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द एट प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर और चीज़ें इसी तरह चलती रही लगभग आठ दिनों तक और फिर उसके बाद मतलब आठ दिनों तक नहीं काफ़ी दिनों तक और जो आठ प्रिंसेस थी फिर अपना जो दिमाग है वो लगाती हैं पुट देयर हेड टुगेदर मतलब एक साथ कुछ सोचना और फिर उसके बाद सोचने के बाद वो प्रिंसेस सितंबर के पास जाती हैं और एक सर्कल बना के बीच में वो बैठ मतलब बैठ जाती हैं और प्रिंसेस सितंबर से कहती हैं कि पुअर माय माई पुअर सेप्टेंबर दे सेट वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरेट इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी है फिर वो बोलती हैं कि बेचारी बहन प्रिंसेस सितंबर मतलब हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं किस मतलब सॉरी फील करना का मतलब होता है बुरा फील करना हम बुरा फील, हम बुरा फील कर रहे हैं कि तुम्हारा जो पैरट है उसकी डेथ हो गई और तुम्हारे पास हमारे जैसा पैरेट अब नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी ड्रेडफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बुरा होना तो वो बोलती हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी को ऐड कर रहे हैं मिला के और तुम लोगों को एक लवली न्यू नया पैरेट लाके दे देंगे फिर प्रिंसेस ट्रेवर बोलती हैं थैंक यू फॉर नथिंग कि मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास जो पेडवर्ड है मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ वो बहुत प्यारे प्यारे गाने गाती है और वो मुझे बहुत पसंद है फिर वो ऐसे बोलती है आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरेट फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ग्रीन और येलो पैरेट के साथ मतलब करूँगी क्या मुझको नहीं चाहिए ऐसे वो बोल देती हैं वेल माई डियर दे सेट इट इट्स एप्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड वेद द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स दे लुकड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आई और फिर वो बोलती हैं कि मतलब सारी की सारी बहनें और सितंबर से बोलती हैं कि ये बात तो बिल्कुल बेकार की ही है ना ये बोलना कि मतलब जो तुम्हारी वो है बर्ड है वो तुम्हारी पैट है वो तो उसका तो जब मन करता है वो यहाँ से चली जाती है जब मन करता है आ जाती है और वो पे अपने पूरे रूम में नज़र घुमाती है प्रिंसेस सितंबर के और बोलती है देखो वो अभी भी यहाँ पर नहीं है अपनी आई को उठा करके डू यू माइंड आर आस्किंग वेर योर बर्ड इज़ नाउ फू बोलती हैं क्या तुम तो मतलब मैं हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारी बर्ड अब कहाँ हैं सबके साथ सब मिलके बोलते हैं फिर प्रिंसेस सप्टेम्बर बताती है कि वो जो बर्ड है वो विजिट करने गई है अपने फादर इन लॉ को और फिर बाकी सारी प्रिंसेस प्रिंसेस सेप्टेंबर से पूछती हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस आएगी तो प्रिंसेस सप्टेंबर बोलती हैं क्योंकि वो हमेशा वापस आती है फिर बाकी सारी बहनें बोलती हैं वेल माई डियर इफ़ यू विल टेक आर एडवाइस यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट if he comes back and mind you if he does not you if he does sorry if he does you will be lucky put pop him into the cage and keep him there that's the only way you can be sure of him फिर बोलती है कि अगर ठीक है हम तुम्हें एक एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर वो कभी वापस आई अभी दोबारा अगर तुम लकी हुई तो तुम वापस आओगे तो तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए उसके बाद उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए कि उसको एक मतलब पिंजड़े में मतलब पॉप कर देना चाहिए पॉप मतलब होता है पुट रख देना चाहिए ताकि तुम हमेशा तुम्हें पता रहे कि वो तुम्हारे पास रहे आ, फिर प्रिंसेस सिप्टेवर बोलती है मगर मुझे तो पसंद है कि वो मेरे रूम में इधर उधर उड़ती रहती है घूमती रहती है मगर बाकी सारी जो सिस्टर्स होती हैं वो एक साथ बोलती हैं कि जो सेफ्टी है ना वो पहले आती है ये ओमिनुअसली का मतलब होता है थ्रेटिंगली मतलब डरा कर उसको बोलती हैं कि सेफ्टी जो है चीज़ों की मतलब रख जो रक्षा है वो पहले आती है फिर दे गॉट अप एंड वॉक आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनजी और फिर वो ये सारी बातें बोल के कि तुम अपनी बर्ड को पिंजे में रख देना और ये सब बोल के वहाँ से चली जाती है और प्रिंसेस सेप्टेम्बर मतलब इस बात से थोड़ी काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट अब इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं थैंक यू